आपने ये प्रयास किया ये मानते हुए कि आपको जो हक मिलना चाहिए था वो काफी वर्षों तक नहीं मिला, और मैं आपके लिए चार लाइनें मैं कहना चाहूंगा कि जब भी कोई काम पूरे मन से पूरे पवित्रता से हम करते हैं हमें ईश्वर का भी साथ मिलता है, हमें सभी का साथ मिलता है। वो कहते हैं ना कि परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, उन्हें खुद ही तय करनी पड़ती है मंजिल आसमानों की। होता है जिनमें हौसला आसमान को छूने का, उन्हें नहीं होती है परवाह गिर जाने की। आपने भी पूरे जोश से पूरा करा, और मैं आपको कहना चाहूंगा जिंदगी के बारे में, हम भी कभी आपके मुकाम पे थे, हम भी जिस जगह से पहुंचे हैं हम भी हमारी जमीन से जुड़े हैं, और मैं आपको कहना चाहूँगा कि माननीय अध्यक्ष जी राठौड़ साहब यूनिवर्सिटी और मेरा हमारा हमेशा ये प्रयास रहा है कि हर बात को हम एक सकारात्मक रूप से लें। और ये जिंदगी का भी फलसफा है कि जब तक आप दूसरों के लिए कुछ नहीं करोगे तो आपकी ज़िंदगी का कोई मायने नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि जिंदगी एक इबादत है, जिंदगी एक इबादत है, शर्त यह है कि यह जिंदगी किसी के काम आए। तो निश्चित रूप से हमें भी खुशी है कि हमने भी पूरा प्रयास किया और सबों ने मिल करके इस तरीके से जो आप काफ़ी वर्षों से जो आप चाह रहे थे उसको आपको प्राप्त हुआ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हमारे अध्यक्ष जी राठौड़ साहब यूनिवर्सिटी और मैं मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में तुरंत इस बात को लाएंगे, और आपने जो भी अभी बात बताई कि जल्दी से जल्दी आपको पूरा इस तरह से मिले कि आप बिल्कुल हंसते हुए हमेशा पूरे आपके सब परिवार जन और आगे किसी बात की समस्या आपको ना आए, ऐसा मेरा ईश्वर से आग्रह है। पूरा हम प्रयास करेंगे, और मैं अंत में दो लाइनें कहना चाहूँगा कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम इतनी शिद्दत से, अभी जो पंचायत वाले भी मेरे पास में आए थे, इतनी शिद्दत से निभाएं हम हमारे किरदार को, इतनी शिद्दत से निभाएं हम जिंदगी में अपने किरदार को कि पर्दा गिरने के बाद भी हमारे लिए तालियां बजती रहे। और आप निश्चित मानिए कि आपने जो भी कहा है, मैंने जब कहा है क्योंकि जब मैंने आपको कहा है कि आपने जो भी, चाहे एक व्यक्ति ने, एक युवा ने भी अगर मुझे कोई एप्लीकेशन दी है या हमें दी है, हमारा प्रयास हमेशा ये रहा है कि अगर हम उसकी जगह होते तो